बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ, लेक्चर नंबर 13, एक्सरसाइज 1.2 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज अवेलुएट। फर्स्ट पार्ट इज 486 प्लस 732, एडिशन करनी है। सोल्यूशन देखें, फर्स्ट नंबर 486 एंड द सेकंड नंबर इज 732। दोनों हमारे पास थ्री डिजिट नंबर हैं, इट्स मीन के थ्री कॉलम्स हैं, वंस कॉलम, टेंस कॉलम, हंड्रेड्स कॉलम। तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एडिशन करते हैं, 6 + 2 इज इक्वल टू 8, 8 + 3 इज इक्वल टू 11, 1 इधर 1 कैरी, 1 + 4 इज इक्वल टू 5 एंड 5 + 7 इज इक्वल टू 12। सो आंसर इज 1218। थर्ड पार्ट इज 811 माइनस 356, 811 माइनस 356। फर्स्ट नंबर इज 811 एंड द सेकंड नंबर इज 356। दोनों हमारे पास थ्री डिजिट नंबर हैं, सो थ्री कॉलम्स हैं हमारे पास, वंस कॉलम, टेंस कॉलम, हंड्रेड्स कॉलम। तो एडिशन करते हैं, फ्रॉम सब्ट्रैक्शन करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड द फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो वंस कॉलम में आप देखें, वन इज लेस देन सिक्स, क्या करेंगे, वन से कैरी ले लेंगे, ये 11 बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो रह जाएगा। 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो रह गया था, ज़ीरो इज़ लेस देन 5, सो हम 8 से कैरी लेंगे तो ये हमारे पास 10 बन जाएगा और यहाँ पे 7 रह जाएगा। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 एंड 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। आंसर इज 455। सिक्स पार्ट देखें इसका, 4001 माइनस 809। तो बेटा ये हमारे पास फोर डिजिट नंबर है और ये हमारे पास थ्री डिजिट नंबर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को लिख लेंगे 4001 माइनस, और फिर जब हम सेकंड नंबर लिखेंगे तो उसको आपने राइट टू लेफ्ट लिखना स्टार्ट करना है। 9 को वंस कॉलम में, 0 को टेंस कॉलम में और 8 को हंड्रेड्स कॉलम में। सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो अब आप देखें कि 1 इज़ लेस देन 9, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास 0 है, हम कैरी नहीं ले सकते 0 से, तो हम क्या करेंगे, 4 से 0 लेंगे, 4 से कैरी लेंगे, 4 से कैरी लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 रह जाएगा और ये हमारे पास 10 बन जाएगा। 10 से दोबारा हम इस 0 को कैरी देंगे तो यहाँ 9 रह जाएगा और ये हमारे पास 10 बन जाएगा। 10 से दोबारा हम इस 1 को कैरी देंगे तो यहाँ 9 रह जाएगा और ये हमारे पास 11 बन जाएगा। 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 0 इज इक्वल टू 9, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। सो आंसर इज 3192। अब हम इस क्वेश्चन का पार्ट 8 करते हैं, जो कि हमारे पास है 815 प्लस 186 प्लस 334। तीन नंबर्स को हमने ऐड करना है और तीनों हमारे पास थ्री डिजिट नंबर्स हैं, तो थ्री कॉलम्स होंगे हमारे पास, वंस, टेंस, हंड्रेड। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऐड करते हैं, 5 + 6 11, 11 + 4 15, 5 इधर 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 8 10, 10, 10 + 3 13, 3 इधर 1 कैरी, 1 + 8 9, 9 + 1 10, 10 + 3 13। सो आंसर इज 1335। तो बेटा ये हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 9 पार्ट्स थे हमारे पास, जिनमें से मैंने आपको फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और मैंने आपको सिक्स पार्ट और एट पार्ट, ये फोर पार्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी जो इसके पार्ट रह गए हैं वो आपका होमवर्क है, उनको आपने ख़ुद घर में करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास है, राइट द करेक्ट डिजिट विद इन ईच बॉक्स। अब बेटा ये भी हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ही क्वेश्चन हैं, बट इनमें हमारे पास कुछ डिजिट जो हैं वो मिसिंग हैं और हमने उन डिजिट को जो है वो इनमें लिखना है और करेक्ट डिजिट लिखना है इन बॉक्सेस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें कि हमारे पास इन दो नंबर्स को हमने ऐड करना है और जो हमारे पास डिजिट मिसिंग हैं उनको हमने लिखना है। तो हम एडिशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब आप देखें, 3 + something इज इक्वल टू 7, कि हमने 3 में एक ऐसे डिजिट को ऐड करना है कि हमारा आंसर जो है वो 7 आना चाहिए। तो क्या चीज़ ऐड करेंगे, 3 में अगर हम 4 को बेटा ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 7 आता है। सो 3 + 4 इज इक्वल टू 7,
इस बॉक्स का करेक्ट डिजिट क्या है? 4। 3 + 4 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट देखिए, 4 + 5, 4 + 5 को ऐड करें तो आंसर क्या आता है? 9। 4 + 5 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे हंड्रेड्स कॉलम में क्या है? समथिंग प्लस 2 इज इक्वल टू 9, कि हमने 2 में किसी ऐसे डिजिट को ऐड करना है कि आंसर हमारे पास 9 आना चाहिए। तो बेटा क्या चीज़ ऐड करेंगे? 7। 7 + 2 इज इक्वल टू 9 आता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट डिजिट क्या होगा इस बॉक्स में? 7। 7 + 2 इज इक्वल टू 9। सो 743 + 254 इज इक्वल टू 997। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट भी हमारे पास एडिशन में है, तो क्या करते हैं बेटा? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जो है हम इसको ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 नंबर्स हैं, ठीक है, इनको हमने ऐड करना है। तो अब आप देखें, वंस कॉलम में 3 + 4 इज इक्वल टू 7, ठीक है। 3 + 4 + समथिंग इज इक्वल टू, अब बेटा अगर हम 3 और 4 को ऐड करें और उसके साथ हम किसी और डिजिट को भी ऐड करें तो हमारे पास आंसर 2 नहीं आएगा बल्कि 12 आएगा। इट्स मीन कि यहाँ पे रीग्रुपिंग हो रही है। रीग्रुपिंग मीन कि जब हम किसी नंबर से कैरी ले लेते हैं या फिर उस नंबर को कैरी दे देते हैं। तो 3 + 4 + समथिंग इज इक्वल टू 12 आएगा, ठीक है। 3 + 4 = 7, और 7 में अगर हम 5 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 12 आता है, ठीक है, जो कि 2 इधर और 1 यहाँ पे हम इधर कैरी दे देंगे, ठीक है। 3 + 4 + समथिंग इज इक्वल टू 12, इट्स मीन 3 + 4 + 5, 3 + 4 = 7, 7 + 5 = 12, 2 इधर 1 कैरी। अब 1 + 2 + समथिंग + 4, अगर हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 नहीं आएगा बल्कि 15 आएगा। तो 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7। अब 7 में हमने एक ऐसे डिजिट को ऐड करना है कि हमारे पास आंसर जो है वो 15 आना चाहिए। सो हम 8 को ऐड करेंगे, ठीक है। 1 + 2 = 3, 3 + 8 = 11, 11 + 4 = 15, 5 इधर 1 कैरी, ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है? 1 + समथिंग + 2 + 3। अब आप देखें, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 में हमने एक ऐसे डिजिट को ऐड करना है कि हमारा आंसर जो है वो क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे इस बॉक्स में क्या लिख देंगे? 1। 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 3 = 7, ठीक है। तो 123 + 284 + 345 = 752। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें हमने। 7 - something = 4, कि 7 में से हम किस डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर जो है वो क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। सो 7 - 3 = 4, कि 7 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर क्या आता है? 4 आता है। 9 - 5 = 4, 6 - something = 1, 6 में से हम किस डिजिट को सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। तो 6 में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 6 - 5 = 1, सो 697 - 553 = 144। फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, 6 - something = 6, कि 6 में से हमने एक ऐसे डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारा आंसर जो है वो 6 आना चाहिए। तो बेटा एक ऐसा डिजिट जो है वो 0 है, कि 0 को अगर हम किसी भी डिजिट में से, किसी भी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर जो है वो वही का वही रहता है। सो 6 - 0 = 6, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक ऐसा डिजिट लेना है कि उस एक ऐसा नंबर लेना है कि उसमें से अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर जो है वो क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो बेटा अगर हम 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो क्या आता है? 7 आता है। तो यहाँ पे हम 13 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे? 3 लेंगे। और फिर हम, अब आप देखें, जब हमने 3 लिख लिया है तो 3 इज़ लेस देन 6, 3 से तो हम 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अब हम 2 से कैरी ले लेंगे। 2 से जब हम कैरी लेंगे तो ये हमारा डिजिट जो है ये क्या बन जाएगा? ये 13 बन जाएगा।
और यहाँ पे हमारे पास वन रह जाएगा, ठीक है। 13 माइनस 6 इज इक्वल टू 7, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वन रह गया था, तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हमने बेटा एक ऐसा डिजिट लिखना है कि अगर हम उसको वन से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर जो है वो ज़ीरो आना चाहिए। सो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अब आपने क्या करना है, अब आपने क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट और इसका सिक्स पार्ट, ये दो पार्ट जो हैं ये आपने घर में करने हैं, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।